हर इंसान एक अच्छी पत्नी की तलाश में रहता है। कोई खूबसूरती देखकर शादी करता है तो कोई उसके अच्छे स्वभाव को पसंद करके उससे शादी रचाता है। लेकिन अगर किसी शख्स की हाइट छोटी रह जाए तो तमाम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि जिंदगी में इसके साथ ये कैसा बड़ा खिलवाड़ कर दिया। यकीनन काफ़ी लोग इस बात से सहमत भी होंगे और कुछ लोग इसी तरीके की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सहन भी कर रहे होंगे। ये अपमान लोगों को काफ़ी बुरा भी लगता है, लेकिन अपनी कमज़ोरी को जो अपना हुनर बना ले वही इंसान असली कलाकार कहलाता है। अगर आपको हमारी बातें समझ नहीं आई तो आपको बताते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने YouTube की दुनिया में एक अलग ही तहलका मचा दिया है। छोटी कदकाठी और अलग ही चुलबुला अंदाज, वो हैं यूट्यूबर शफीक नात्या। ये छोटे से कलाकार ऐसे हैं जिनकी कदकाठी कम है लेकिन इनकी कला लोगों को काफ़ी पसंद आती है। तेज़ी से ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे थे। इनकी वीडियोस लोग देखते भी हैं और इन्हें पसंद भी करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इनकी भी अभी हाल ही में शादी हुई थी। इनकी शादी भी इन्हीं की कदकाठी वाली एक लड़की से हुई और इन्होंने उसे वादा किया कि मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। ये वादा झूठा नहीं था, ये वादा केवल बोलने वाला नहीं था, ये वादा सच्चा था। रिपीट, इस वादे में कहीं पर कोई झूठ नहीं था क्योंकि ये भावनाएं उनके दिल से निकली थी। और आज भी कई लोग कहते हैं कि उस शादी में बेशक उनके काफ़ी कम या चुनिंदे रिश्तेदार थे, लेकिन उनके घर पे जब भी कोई आता है तो एक ही बात कहता है कि वो अपनी पत्नी को घर में रानी बनाकर रखते हैं, किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देते। और वैसे भी उनकी छोटी कदकाठी ने एक कमाल कर दिखाया। उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि कदकाठी कैसी भी हो, इंसान कैसे भी रंग का हो, उसकी भाषा कुछ भी हो या उसके शरीर में कोई भी कमी हो, वो जब कला अपनी जनता के बीच प्रस्तुत करता है तो उसको एक कलाकार कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपको बता दें कि छोटू दादा के नाम से मशहूर ये यूट्यूब स्टार 2019 में दूल्हे बने थे। अब इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा है और इन्हीं सब चीज़ों पे शाहरुख जी की एक बात याद आती है कि जिन लोगों की हाइट छोटी होती है अक्सर वो कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। इन सब चीज़ों के साथ जाते जाते आपको बताना चाहेंगे, याद रखिए कोई धर्म, कोई मजहब या आपका कद और आपका रंग ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप आगे जाके पॉपुलर स्टार बन पाओगे या नहीं, एक अच्छे इंसान बन पाओगे या नहीं। वो सब चीज़ आपके हुनर और आपकी सोच पे डिपेंड करता है। फिल्मी अड्डा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।